ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको याद रखना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब होती है तब n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? ठीक है, तो अब देखो यार, n इज इक्वल टू 1 इसमें डाल दोगे तो जो इसमें दिया हुआ है वो हमारा और कंफर्म हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या चीज हो गई जो इनकी भाषा में है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही ट्रू है, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इसमें पूछा क्या गया है कि भाई तुम इसी ग्राउंड स्टेट वाले स्थिति में ही इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो क्या दिक्कत है भाई, n इज इक्वल टू 1 डालो यहां पे, बहुत ही आसान सवाल है, 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, बस साइन यहां पे मैटर करेगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर टोटल एनर्जी हमारी जो है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी भी आप गेस कर सकते हैं बड़े आराम से, -2 × 13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो 13.6 का बस 2 में मल्टीप्लाई करना है, दिस इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी जो कि पूछी गई थी, बस हो गया। एक तरीका ये है कि मतलब तीनों फॉर्मूले लिख लो, n इज इक्वल टू 1 डाल दो। कुछ लोग ऐसा करना पसंद करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है उसमें जो रेशियो होता है ये होता है 1 -2 और -1 का, तो -1 की जगह हम लोग दे रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसमें 13.6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दो तो ये अपने आप आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अपने आप आ जाएगा +13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करना हो तो भाई ऐसे कर लेना कि ये रेशियो हमेशा ट्रू है, ये जो दे दिया उसी के हिसाब से ये भी सही हो, सेम एनर्जी लेवल पे एन कुछ भी हो, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, ये जो रेशियो है ये हमेशा ट्रू होता है। तो दोनों मेथड में से कैसे भी कर लीजिए सब सही है।